आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कल FCI का AG3 का फर्स्ट शिफ्ट होने वाला है। कल के दिन जिन जिन लोगों का एग्जाम है, लगभग 3 से 4 शिफ्ट में FCI अपना पेपर कराएगा फेस 1 का। तो कुछ एक चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वीडियो बड़ा ध्यान से सुनना, खास करके कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर निकल के सामने आ रही, बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं कि लास्ट टाइम FCI AG3 की कट ऑफ क्या गई थी फेस 1 की। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि लास्ट टाइम फेस 1 की जो कट ऑफ थी वो FCI ने कहीं ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं करी है कि कितनी कट ऑफ गई थी। तो ये जितनी कट ऑफ लोग चला रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कट ऑफ एक तरीके से बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि FCI की कट ऑफ अलग अलग जोन वाइज आएगी। जोन वाइज आने के बाद फिर उसमें भी कैडर वाइज आएगी। अगर किसी ने जनरल कैडर से फॉर्म भरा है तो उसका कट ऑफ वैसे इफेक्ट करेगा, फिर डिपो कैडर आ गया, फिर अकाउंट्स कैडर आ गया, फिर टेक्निकल कैडर आ गया। तो इसलिए इसकी कोई एक कट ऑफ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि FCI ने ऑफिशियली इसकी कट ऑफ कहीं डिक्लेयर नहीं करी थी फेस 1 की। उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि उनका ऑफिशियल जो उनका कोई भी अगर आपको कहीं से मिले तो आप जरूर बताएं, क्योंकि इसका ऑफिशियल हमने जितना FCI से पता किया, उन्होंने यही बोला है कि ऑफिशियली हमने फेस 1 की जब 2019 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आया था और पेपर हुआ था, उस वक्त कहीं भी इन्होंने कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करी थी। तीसरी चीज ये है कि अगर आप कट ऑफ देख के जाते भी हो, मान लो कोई इंसान कट ऑफ देखता है किसी का और आप वो पेपर देने जाते हो, तो इस बार जो है जरूरी नहीं है कि उसी कट ऑफ का पेपर जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस बार कंपटीशन लेवल थोड़ा अलग है। दूसरी चीज, पेपर किस लेवल का आता है इस पर भी डिपेंड करता है। पिछली बार पेपर का लेवल बहुत ईजी था, हमने एक टॉपर टॉक डाला था साक्षी जैन के साथ, उससे मैंने अभी जब बात करी वीडियो बनाने के पहले, तो उसने बताया था कि मेरे 100 क्वेश्चन आए थे, उसने 100 के 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे, इतना इजी पेपर आया था। तो क्या इस बार भी उतना इजी पेपर आएगा? अगर इस बार उतना इजी पेपर आएगा तो इस बार जो फॉर्म फिलिंग है वो भी ज्यादा हुई है, सीटें भी हो सकता है इस बार पिछली बार अलग तरीके से रिलीज हुई हो, इस बार अलग तरीके से रिलीज हुई हो। तो इसलिए पुरानी कट ऑफ का बबल रख के दिमाग में पेपर देने बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये गलती मैं खुद अपने साथ कर चुका हूं एक बार, जब मेरा IBPS PO का मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि मैं भी उस वक्त आप जैसा नया नया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने पुरानी कट ऑफ को थोड़ा सा ध्यान में रख के मैं पेपर देने चल गया था। मेरा वो कट ऑफ तो क्लियर हो गया, लेकिन जो उस साल कट ऑफ गया था वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। तो इसलिए वो पुरानी कट ऑफ का बबल अपने दिमाग में ना रखें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये कि उसकी ऑफिशियली कहीं FCI ने डिक्लेयर किया ही नहीं कि वो कट ऑफ कितनी गई है। इसके अलावा आपके कुछ एक क्वेश्चन हैं जो हमारे पास बार बार निकल के सामने आ रहे हैं, उनका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कुछ एक लोग पूछ रहे हैं कि रिपोर्टिंग टाइम से कितने टाइम पहले हमको पहुंचना है या रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंचना है, तो एक चीज मैं बता दूं कि जो रिपोर्टिंग टाइम आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, कोशिश करें कि उससे 30 मिनट पहले आप पहुंच जाए सेफर साइड के लिए। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग फोटोग्राफ को लेकर भी कंफ्यूजन में, जो फोटोग्राफ आपने एडमिट कार्ड में लगाया है वही फोटोग्राफ अपने साथ लेके जाए वहां पे। तो यही FCI का पूरे तरीके से, आप हमारा एक वीडियो है एडमिट कार्ड का, वो परिधि ने चैनल पे डाला है, आप जाके वहां देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन वहां दिए हैं। इसके अलावा हेल्दी फूड खाएं, खुद को मोटिवेट रखें, और जिनका अभी पुराना IBPS SBA के जो पेपर हुए अगर वो अच्छे नहीं हुए तो ये बिल्कुल ना सोचे कि FCI का भी अच्छा नहीं होगा और अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करें, क्योंकि साक्षी जैन के साथ जो हमने टॉपर टॉक डाला था उसने भी वीडियो में बताया कि उसके काफी सारे पेपर क्लियर नहीं हो पाए थे बैंकिंग के, लेकिन FCI का पेपर उसका क्लियर हो गया था। तो इसलिए ये एक नया एग्जाम है, नए डिपार्टमेंट का एग्जाम है, इसका बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, तैयारी जरूर आपको काम आएगी। और इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो लगभग बैंकिंग जैसा ही रहेगा, तो वहां जो आपने तैयारी करी है वो आपके पूरे तरीके से काम आएगी, और मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि पेपर थोड़ा इजी लेवल का आएगा, इतना हाई लेवल का नहीं आएगा जो अभी तक का FCI का हमेशा का ट्रेंड रहा है, अगर उसको देखते हुए हम चलें। कुछ एक चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जो जनरल स्टडी है उसको लेके लोग घबराए हुए हैं, तो अब इस टाइम पे आप एकदम से कोई नई चीजें ना पढ़ें, जितना आपने जनरल स्टडी अभी तक पढ़ा है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के उनको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि कल आपका पेपर है। कल आपका पेपर कैसा होगा ये सब चीजें आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपने कितना अटेम्प्ट किया वगैरह। एक पेपर को लेके एनालिसिस का वीडियो हम कल अलग से डालेंगे। तो दोस्तों, FCI के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।